मुरादाबाद की रहने वाली निधि गुप्ता ने फैशन शो की दुनिया में मुरादाबाद शहर का नाम रोशन किया है। लगातार फैशन शो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के साथ साथ युवा पीढ़ी को संदेश देने का काम कर रही हैं। गोवा में आयोजित फैशन शो प्रतियोगिता में निधि गुप्ता ने प्रतिभाग किया और कई कैटेगरीज में प्रथम द्वितीय स्थान पर आने के साथ अपनी प्रतिभा से सभी को चौंका दिया। निधि गुप्ता ने अपनी कैटेगरी में यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और फैशन की दुनिया में अपना एक कदम और आगे बढ़ाया है। निधि गुप्ता का ये कहना है कि लगातार फैशन शो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। फैशन के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी निधि गुप्ता अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनके परिवार के सदस्य भी इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। सिटी चैनल से विशेष बातचीत के दौरान निधि गुप्ता ने कहा कि वे सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। फैशन शो में मैं 6 महीने से हूँ और पहला शो मेरा दिल्ली में रहा था। उसमें 3 राउंड थे। पहला ग्लैमरस लुक का था, दूसरा टैलेंटेड का था और तीसरा फिनाले में। तो उसमें मेरा बिस ग्लैमरस लुक में और टैलेंटेड में दोनों में ही रैंक रहा है। अभी जयपुर का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके जो फाउंडर हैं जे कश्यप सर हैं, उन्होंने गोवा में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें लगभग 40 लड़कियाँ थीं जिसमें से उत्तर प्रदेश से 5-6 थीं। उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था, उत्तर प्रदेश से मैं विनर हुई थी। और डांस राउंड था, एक डांस में टैलेंट दिखाना था, तो उसमें मेरा मिस टैलेंटेड का रैंक रहा। वहाँ गोवा से भी थे, जयपुर से थे और अलग अलग स्टेट से रहे थे। काफ़ी अच्छा, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था और काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला। मैं फेमिना तक जाना चाहती हूँ। फैमिली में मेरी मम्मी का सपोर्ट है, सुष्मिता सेन मैम को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जिस लाइन में इंटरेस्ट हो उसमें करना चाहिए।